नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आपको बताते चले कि कुछ दिनों पहले निजामाबाद थाना क्षेत्र के नेवादा गांव में बीडीसी सुरेंद्र यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में स्थानीय थाने में विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया गया और सड़क जाम करके उनके मुआवजा अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग की गई थी। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्काल कार्रवाई का आदेश दिया और जिसपे कार्रवाई करते हुए 5 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और 3 अभियुक्त फरार थे, जिन पर 25,000 रुपए का इनाम पुलिस अधीक्षक द्वारा घोषित किया गया था। प्रभारी निरीक्षक निजामाबाद द्वारा उनके मिलने के संभावित स्थानों पर लगातार छापेमारी की जा रही थी। मुखबिर की सूचना पर परसाहा रेलवे क्रॉसिंग के पास से घटना में शामिल फरार चल रहे तीनों अभियुक्त अमित यादव, गगन यादव, गोल्डी यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त गगन यादव के कब्जे से 1 तमंचा, 315 बोर फायर सुधा, 2 खोखा कारतूस जो मौके पर गिरा था बरामद कर जेल भेजा गया। दिनांक 24/8 की रात्रि को थाना निजामाबाद क्षेत्र के गाँव नवादा में बीडीसी मेंबर सुरेंद्र यादव की हत्या हो गई थी। उस हत्या में 8 लोग नामजद थे, जिसमें 5 अभियुक्त पूर्व में जेल में जा चुके हैं और उनसे आला कतल जो पिस्टल था बरामद किया जा चुका है। आज पुलिस मुठभेड़ के दौरान शेष तीन अभियुक्त अमित, गगन और प्रमोद, जो कि 25,000 रुपए के इनामिया बदमाश हैं, वो गिरफ्तार किए गए हैं और इनके पास से 2 तमंचे और कारतूस बरामद हुए हैं।